रेगुलर जब फॉलो करेंगे तो सीख पाएंगे। अगर आप रेगुलर आएंगे और मुझे नाम बताएंगे अपना, उसमें लिखेंगे मैं आई हूँ और मुझे रेगुलर करना है, तो मैं आपके लिए ज़रूर आऊँगी। लेकिन आप रेगुलर ही नहीं आएंगे तो मैं आपके लिए क्यों आऊँगी। और चलिए बताती हूँ आपको आकाशीय मुद्रा के लाभ। आकाशीय मुद्रा ऐसे करते हैं, आकाश की तरफ देख के फोकस करना है, श्वास रोकना है, उद्यान बंद लगाइए, पेट को बंद, पेट को अंदर की तरफ खींचना है, आंख भी बंद कर सकते हैं, आकाश को देख भी सकते हैं, आपकी एकाग्रता को बढ़ाते हैं। अगर आप कमरे में बैठे हैं तो आकाश को कैसे देखेंगे, तो आकाश को आप शून्य ध्यान लगाइए, आंखें बंद कीजिए, किसी भी मुद्रा में, अंजलि मुद्रा है, नमस्ते मुद्रा है कहते हैं इसको, बैठ जाए किसी भी मुद्रा में जो आपको अच्छी लगे, समान मुद्रा में। इसके लाभ ये हैं कि इससे थायराइड ग्रंथि एक्टिवेट होती है, आपका विशुद्धि चक्र एक्टिवेट होता है, जो हम बोलते हैं वो हो जाता है। यहाँ पे यम बीज मंत्र है, विशुद्धि चक्र है, इसके एक्टिवेट होने पर जो हम चाहते हैं, जो हम बोलते हैं, वो सच्ची होने लगती है। ठीक है, परंतु 2-3 घंटे का निरंतर अभ्यास आपको बहुत कुछ दे सकता है। परंतु सच्ची साथ नहीं है कि मैं जो सिखा रही हूँ मेरा कोई भाव स्वार्थ से पूर्ण नहीं है, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए ना कुछ ऐसा चाहिए। लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि आप सब मदद कर पाएँ तो हम एक अच्छे मानवता धर्म, ऐसे मंदिर, एक ऐसे धर्म की स्थापना कर पाए जिससे हमारी प्रकृति की रक्षा, पहले प्रकृति है ये शरीर और फिर है सारे मानव और ब्रह्मांड। अगर हम इसको इकट्ठा करें तो ब्रह्मांड का सारा अंश हम में है, जो निरंतर बनता और बिगड़ता है। किंतु कहते हैं जो निस्वार्थ भाव से प्राणायाम ध्यान योग के अभ्यास को करता है, कराता है, वो अनंत अमरता को प्राप्त करता है। और अनंत अमरता को प्राप्त करने की ऐसी संजीवनी बूटी है सांसों को रोकने का अभ्यास और महत्वपूर्ण उद्यान बंद, यानी कि पेट को अंदर करना, पेट को अंदर करना और फिर लगाना जलंधर लो, इस मुद्रा में जाइए और फिर लगाना चिल्लॉक, जलंधर लॉक, चिल्लॉक एक बात है, उद्यान बंद ये एक बात है। और इसके साथ यहाँ पे पैर रख के, अगर आप यहाँ पे पैर नहीं रखते तो कोई बात नहीं, नॉर्मल बैठ जाए। ये मूल बंद कहलाता है, यानी कि योनि को लॉक करना, नीचे के हिस्से को लॉक करना। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, ऐसे ही बैठ जाए और लैट्रिन के द्वार को, गुदा द्वार को बंद कर दिए, रियोनि को सिकुड़ दीजिए, यहाँ के हिस्से को सिकुड़ना है, पेट के हिस्से को सिकुड़ना है और ऐसे बैठना है। तो ये बंद महा अवतार बाबा जी द्वारा बताया गया था, बहुत पहले मैंने पढ़ा था, पर ये बंद निरंतर अभ्यास से मुझे अपने आप ही लगने लगा और इसका ज्ञान भी मैंने प्राप्त किया और जाना कि इस बंद में जब हम तीनों बंद लगाते, उद्यान पेट को खींच के अंदर, चिल्लो गले पे और नीचे का मूल बंद, लैटरिन के द्वार को बंद करना, योनि के द्वार को बंद करना और किसी भी पृथ्वी मुद्रा, कोई भी फेवरेट मुद्रा में बैठ जाएं उस सेकंड के लिए श्वास को रोक के रखना। तो इससे क्या होता है, हमारे कपाल में जो अमृत होता है वो एक्टिवेट होता है और इससे हमें बुढ़ापा नष्ट होने जाता है, जवानी बढ़ती है, डीएनए में हमारी एज कम हो जाती है, शारीरिक रूप से हम जवान लगते हैं। लेकिन इसके लिए भी अभ्यास की आवश्यकता है, कम से कम इसको 5-10 मिनट करने से भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि तो इसके स्वास्थ्य लाभ भी है, इसके आध्यात्मिक लाभ भी है, स्वास्थ्य लाभ भी है, स्वास्थ्य लाभ में सबसे बड़ा लाभ यही है। लेकिन बात यह है जो लोग आधा एक घंटा, कई कई घंटों प्रयास करते हैं, वास्तव में वो पूर्ण रूप से अमरता और नाशवान स्वाधिष्ठान चक्र को प्राप्त करते हैं, जिसे कहते हैं भगवान शिव का स्वरूप, और कहते हैं वे अनंत योगी जो हजारों वर्षों से जीवित है वो, और जो खान पान भी त्याग देते हैं वो तीनों बंद में बैठ कर लगातार अपने आप ही अनंत कुंडली, अनंत आत्म जागृति, और उन्होंने कहीं से सीखा हो वो सब उनकी सहायता करते हैं, उनके गुरु भी, उनकी खुद की आत्म जागृति भी। तो मैं बैठती हूँ ध्यान में तो अपने आप ही लगता है, कुछ सेकंड के लिए रोके श्वास को, फिर दोबारा करें इसको कम से कम 10-20 बार दोहराएं तीनों बंद को। शुरू में 5-10 बार भी कर सकते हैं, 10-20 बार, कम से कम 10 मिनट इसके लिए निकालें तो आप देखेंगे अपने अंदर बहुत बड़ा बदलाव, अपनी स्किन के अंदर। प्राकृतिक चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें, साबुन वगैरह कम यूज़ करें, जब योग ध्यान का अभ्यास करते थे थोड़ी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, ठीक है। और क्या डाइट, जब हम ध्यान योग साधना में 2-3 घंटे बिता रहे हैं तो हमें डाइट भी चेंज करनी पड़ती है, ये भी मैं आपको बताऊंगी पर आज नहीं। तो ये तीनों बंद जलंधर बंद क्या क्या लाभ है, स्वास्थ्य लाभ क्या है इसका, ये हमारे विशुद्ध चक्र को एक्टिवेट करता है, जो हम बोलते हैं वो सत्य हो जाता है और
थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है, थायराइड का रोग हमें नहीं होता, गर्दन की मांसपेशी को मजबूत करता है कि जिनको ज़्यादा ही सांस की बीमारी है तो वो ज़्यादा ना करें। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी इसको, मुझे सांस की बीमारी थी, काफ़ी एक्टिवेट, तीनों बंद लगाने से हर तरह की बीमारी और रोग नष्ट होते हैं और बुढ़ापा भी नष्ट होता है, जो कम से कम आधा घंटा 10 मिनट से लेकर 20 मिनट आधा घंटा इसी बंद में निकालेंगे तो अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस करेंगे। लेकिन इसके साथ आप भोजन में भी अपना कुछ प्रतिबंध लगाना आवश्यक होगा, ज़रूरी है ध्यान योग के लिए। वो मेरा वीडियो सुनना जिसमें हमें भोजन क्या करना है और क्या नहीं, क्यों लहसुन प्याज नहीं खाते हैं और कौन लहसुन प्याज छोड़ देता है और कौन मीस और मिन्स और मांस में कोई अर्थ नहीं है। एक पेड़ पौधे को काटना उसको भी दर्द होता है, एक मांस को काटना उसको भी दर्द होता है। तो अपने इस ब्रह्मांड को थोड़ा जागरूक करें, जागरूकता का अभ्यास मेरे साथ करें, एक ऐसी नई सोच का विस्तार करें कि माँ कुंडली शक्ति में हमारा मानव की वो प्रवृत्ति है कि मुझे इसको मार के वृद्धि प्राप्त होगी। लेकिन जब हम जालंधर बंद पेट को अंदर करना, यानी कि बाहर से ही लॉक लगाना, उद्यान बंद और मूल बंद, यानी कि लैट्रिन के द्वार को ऊपर उठाना या योनि को लॉक करना, नीचे के द्वार को सिकोड़ना, लॉक करना ऊपर उठा के, तीनों बंद में बैठते हैं तो जो निरंतर अभ्यास करता है आधा एक घंटा दो घंटा, तो उसकी भूख भी कम होती है, उसे फिर खान पान की भी आवश्यकता नहीं होती। जो प्राणाध्यान ध्यान योग साधना जल वायु पानी के बिना रहना सीख जाता है और जब इनकी सिद्धि होती है ना, और ध्यान बंद की अगर प्राण सुषुम्ना नाड़ी में उड़कर चले गए तो समझ लो चाहे वो ग्रस्त जीवन चाहे 10 मिनट का, लेकिन उसका सच्चा भाव है कि उसके अंदर एक भावना होनी चाहिए कि मैं रक्षक हूँ प्रकृति के लिए। तो माँ प्रकृति अनंत महाकुंडली शक्ति भगवान शिव परमात्मा अनंत अल्लाह अनंत ईशान से अंदर से वो शक्ति प्रदान करता है जिससे उसका शरीर उठने लग जाता है। उद्यान बन की संपूर्ण सिद्धि है, उद्यान का मतलब है उड़ना। इसको सिद्ध करने के बाद इसकी अंतिम सिद्धि है कि आप हवा में उड़ें। जो सच्चा गुरु है, जो सच्चा साधक है, वास्तव में वो उद्यान सिद्धि को और मूल बंद जालंधर बंद सिद्धि को स्वतः ही सीखना प्रारंभ कर देता है अपने आंतरिक अपने सेल्फ अभ्यास से, क्योंकि अनंत कुंडली शक्ति अंदर से ही अनंत आत्मशक्ति अनंत ब्रह्माणी अनंत शिव अनंत अल्लाह उसे अंदर से ही वो भाव और वो चेतना प्रदान करते हैं जिसने प्राचीन ग्रंथों में अमोक शास्त्र बहुत सारे शास्त्रों में लिखा है। जब हम निरंतर साधना योग में अपने आप को निर्विचार निर्विकार कर सत्य की तरफ बढ़ते हैं तो अनंत ब्रह्मांड में रहने वाले सारे दिव्य शक्तियों में से हमारे शरीर में विद्यमान अनंत कुंडलिनी अनंत ब्रह्मा स्वयं हमारी सहायता कर हमारे गुरु के रूप में हमारे सम्मुख नहीं हमारे अंदर से हमें नियंत्रित करना शुरू कर देते हैं। और सारी योग मुद्राएं सारा योग अभ्यास प्राचीन मैंने आधे से ज़्यादा अपनी आत्मजागृति से सीखा है और मन तन आत्मशुद्धि को प्राप्त कर हम जान पाते हैं कि आज हम अनंत ब्रह्मांड का वो स्वरूप है जिसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। और वास्तव में जो इनका निरंतर अभ्यास करता है वो कभी नष्ट नहीं होता। जलंधर बंद चिल्लॉक उद्यान बंद मूल बंद तीनों के अभ्यास से 5 मिनट 10 मिनट, ठीक है 5 बार 10 बार 20 बार करेंगे तो 10 मिनट आपको लगेंगे, करने से आपको स्वास्थ्य लाभ तो बहुत भयंकर तरह से आपका जीवन बदल सकता है अगर आपने 2-3 घंटे बिताने शुरू कर दे तीनों बंदों के अंदर। और आप देखेंगे आपको वो उच्च ऊर्जा प्रदान होगी प्राप्त होगी जिसे आप सोच भी नहीं सकते कि आप बिना खाए पिए वो सब प्राप्त कर रहे हैं। आपकी बॉडी बिल्कुल चमक रही है, आप कि एजिंग रुक गई है, ये सब महाअवतार बाबा जी के बारे में कहा जाता है और भगवान शिव और बहुत सारे ऋषि मुनिया 1002 वर्ष ऋषि मुनिया ने मुनि और मुनिया यानी कि हम जिन्होंने भी वो अभ्यास किया है अनंत कुंडली शक्ति सब हर प्रत्येक जीव में वास करते हैं तो मैं नहीं जानती, पर मानव विज्ञान के अनुसार अध्यात्म में मैंने जाना कि मानव के शरीर में ये रचना स्वतः ही उत्पन्न नहीं हुई, इस रचना को भी भगवान शिव और पार्वती ने मिलके बनाया और इस कारण आज हम मृत्यु के चक्र को प्राप्त हैं। क्योंकि हर दिन अगर ब्रह्मांड में संतुलन की प्राप्ति करनी है तो मृत्यु का होना भी आवश्यक है, क्योंकि मृत्यु और बुढ़ापे को रोकने के लिए ये जो मुद्राएँ हैं ये जो ध्यान अभ्यास है बहुत ज़्यादा सहायक है। और साथ में आपको लगता है कि मैं बीमार हूँ और स्वस्थ नहीं हो रही हूँ, जैसे मुझे भी मेरे को डिप्रेशन हुआ है कई बार लगता है, लेकिन फिर भी मैं अपने आप को बहुत जागरूक और स्वस्थ महसूस करती हूँ। कल मैं मर जाऊँ आज मैं मर जाऊँ कुछ पता नहीं, कब कोई प्राकृतिक आपदा आए, पर ये सारे अभ्यास हमें बहुत ही संपूर्ण सिद्धि प्रदान करते हैं।
और उत्तम क्रिया यही है कि आज से अगर आप मेरे योग साधना के सेशन में अगर मैं रात के 10 बजे आऊँ या शाम को आऊँ, साथ दें तो बहुत अच्छा है। तो ही मैं आपको बता पाऊँगी कि भगवान शिव और परमात्मा अनंत ब्रह्मांड जो मुझ में जागृत है वो किस तरह से मुझे अभ्यास के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर आपके अभ्यास को भी पूर्ण करेगी। संपूर्ण स्वास्थ्य को निशा के रूप में नहीं शिव के रूप में जाना जाए मेरी इच्छा है। मेरे पर ब्रह्म गुरु मेरे शिव हैं। अनंत पार्वती प्रकृति ने भी मुझे संपूर्ण रूप से कुंडली शक्ति के रूप में और आपको भी, और आज हम उसी कुंडली शक्ति की जागृति का अभ्यास करेंगे। और यही है अनंत आत्मशक्ति की जागृति का अभ्यास, इसमें जो ओशो ने प्राप्त किया मुझे लगता है वो अभ्यास इतना कठिन है कि उसकी जटिलता है यही है कि वो ब्रह्मवाद बन गया। लेकिन सत्य बात का अर्थ है स्वास्थ्य और शांति की तरफ प्रेरित करना, फिर बाद में शक्तियों की तरफ प्रेरित करना, ब्रह्मनाथ की तरफ प्रेरित करना। ये स्वतः ही होता है जो इसके लायक है। ब्रह्मनाथ ओम का गुंजयमान उनके अंदर अपना आप ही, टेलीपैथी उनके गुरु परमात्मा शिव का मार्गदर्शन उन्हें स्वयं प्राप्त होता है और अंदर से एक कुंडलिनी शक्ति उन्हें नियंत्रित करके आत्म जागृति आत्म चेतना प्रदान करती है। उन्हें धीरे धीरे बहुत सारी भाषाओं अपने आप ही, तदमेव न तदयंतम न ब्रह्माणि मम रूपम मम ब्रह्मम मम कारणम मम प्रियवरम शिवम मम अनंत ब्रह्मम ब्रह्मम ब्रह्म है क्या मेरे शिव ब्रह्म है। ब्रह्म ही वो ब्रह्म पैदा करते बहुत है, हर जाल में विड जाल है ये जलंधर क्या है। जलंधर का अर्थ है जाल यानी नाड़ियों का जाल। आत्मशक्ति स्थूल नाड़ियाँ दिखती है, नस नाड़ियाँ, उसके अंदर एक आत्म ऊर्जा वाली 72,000 नाड़ियाँ है, उससे भी ज़्यादा हमारे आध्यात्म में लिखा है। तो धर तरल जो इनमें बह रहा, जो तरल आत्म ऊर्जा बह रही है, जो फिर मांस मज्जा द्वारा ये पृथ्वी तत्व एक्टिवेट होता है तो बहुत कुछ अच्छा होता है। हमारे मांसपेशियाँ मजबूत होती है इसके द्वारा। बहुत इम्पोर्टेंट मुद्रा है ये आपकी पृथ्वी मुद्रा। हाथ पैर के दर्द को ठीक करती है, आपकी स्किन के ग्लो को बढ़ाती है, आपके बुढ़ापे को कोशक और सेल्स को नष्ट होने से बचाती है, और सारे जलंधर बंद भी, जो जलंधर मूल बंद वो भी सब बचाते हैं। जलंधर का अर्थ है मतलब जाल को धारण, तरल पदार्थ को जो धारण करती है नाड़ियाँ उनको अच्छा बनाना। प्राणायाम योग अभ्यास से आपकी नाड़ियों में जो बहरी आत्म ऊर्जा है वो एक्टिवेट होती है। आत्म ऊर्जा एक्टिवेट होती है तो आपका जो स्थूल संरचना है पंच तत्वों की बैलेंस सिद्धि अपने आप प्राप्त होता है। और जानकर बहुत आश्चर्य होगा इसी से लोगों ने और भगवान शिव ने अमरता की वो सत्यता प्राप्त की, इसे ब्रह्म राक्षस ब्रह्म रक्षिका द्वारा प्रताड़ित नहीं किया जाता। कहते हैं जब स्वतः चेतना जागृत होती है तो परमात्मा स्वयं आपके भीतर जागृत है, आपकी सिद्धि और आपके परम ज्ञान आपके पर ब्रह्म परम चैतन्य स्वरूप कि आप ही ब्रह्मांड और ब्रह्म है जागृत हो, वो जागृति प्रदान करते हैं जब आप अपने अंदर शांति और स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। मेरा आशीर्वाद आपके साथ सदैव है। तो मैंने बताया जलंधर वन से आपकी थायराइड की बीमारियाँ, ये मांसपेशियाँ जो होते गर्दन की, और फिर आपका उड्डयन बंद है, डाइजेशन इम्प्रूव होता है, और इसके अंतिम से उड़ना वही है, आप इस लायक होंगे तो परमात्मा आपको शक्ति प्रदान करेंगे। तो और पेट की चर्बी कम होती है उड़ान बंद करने से। मैंने 1.5 महीने के अंदर बिल्कुल, मेरा ऑपरेशन होता उसके बाद से ही 1.5-2 महीने के अंदर ही मैंने अपना 6 kg वेट कम किया बिल्कुल इन साधनाओं के साथ ही। इससे मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है, शुगर कम होती है, पंच तत्व बैलेंस होते हैं, मन शुद्ध होता है, एकाग्र होता है। इस तरह से बैठिए, पेट को बीच के उद्यान बन में, तो पेट की चर्बी कम होगी। 10 से 20 बार 30 बार अभ्यास करें। और खाने पीने में क्या परहेज करना, एक साधक को, एक योगी साधक को जो कि 2 से 3 घंटे योग साधना में बिता रहे हैं, तो ये भी मैं आपको बताऊंगी। और ये भी मैंने अपने निरंतर अभ्यास से सीखा कि मुझे क्या खाना है क्या नहीं। धन्यवाद अति उत्तम कि अगर आप ध्यान में मेरे साथ वैसे वैसे अभ्यास करें अगर इच्छुक हैं तो, वरना मुझे ना तो पैसे चाहिए, ना ही कोई प्रतिष्ठा, ना कोई प्राण प्रतिष्ठा। आप मुझे भगवान माने, गुरु माने, ज़रूरी नहीं। मेरे लिए बहुत ज़रूरी है अपनी आत्मिक शांति शुद्धता और लक्ष्य प्राप्त करना। और मैंने अपनी शांति शुद्धता का लक्ष्य यही प्राप्त किया है कि मैं जीवन में मानवता के लिए वो कार्य करूं जो आज तक कोई गुरु ना कर पाया हो। पर ब्रह्म वाणी हूँ मैं और पर ब्रह्म शक्ति है मुझ में। यदि मैं सत्य हूँ तो मेरे काम नहीं है कि मानवता सत्य आत्मा शांति और स्वास्थ्य की स्थापना पूरे ब्रह्मांड में अनेक ग्रहों में मैं कर सकूँ।
यही मेरी शांति थी, यही मेरी स्थापना थी पूर्व जन्म की भी, और यही मेरा कारण है, श्राप के कारण इस संसार में प्रकट होने का। और आज ही अग्नि है कि मेरे परब्रह्म और श्राप नष्ट होने पर स्वयं उन आत्म जागृति को धारण कर पाऊंगी। ये तो उन्होंने दिखाया मैं कर पाऊंगी, पर देखते हैं भविष्य क्या कहता है। भविष्य निर्माता जानते हैं मैं भविष्य दर्शन के लिए अति इच्छुक नहीं हूँ, मुझे किसी का भविष्य देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर प्रभु ने मुझे वो बातें बताई, वो सब चीज़ें सिखाई, इसे मैं जान पाई कि भविष्य दर्शन से ज़रूरी है कि हम चीज़ें जान पाएंगे भविष्य में क्या हो रहा है। लेकिन आज अपने आप को स्वस्थ शांति में रखना, स्वास्थ्य का अर्थ है तन मन आत्मा की शांति। तन मन आत्मा का स्वास्थ्य होना ही बहुत जरूरी है। किसी को शरीर बीमार नहीं है लेकिन आत्मा रूप से या मानसिक रूप से वो स्ट्रेस में है, प्रबल नहीं है, तो वो भी एक रोगी है, मानसिक रोगी है। तो प्रभु ने जो चाहा है, मेरी इच्छा है मानवता जन कल्याण के लिए शांति और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और अपने भी शांति और स्वास्थ्य को प्राप्त करना, आप लोगों के साथ ओम प्रभाव को प्रचारित करना, सनातन धर्म की रक्षा करना और प्रथम युग सतयुग की रचना करना मेरा परम उद्देश्य है। यदि आप मेरे साथ हैं तो फिर से हम अपनी प्रकृति को हरा भरा, सुंदर, स्वस्थ, स्वच्छ, अपने तन मन आत्म को स्वच्छ बनाएंगे पहले। फिर जब तन मन आत्म स्वच्छ होगा तो अपना आप हमारी प्रकृति स्वयं ही बदल जाएगी। धन्यवाद। ओम शिवोहम, ओम आनंदम अनंत प्रकृतिया रूपम, नमो नमः। आप सबको प्रणाम है, आपके शिव, आपके प्रकृति रूप को प्रणाम है। धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।